हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नए सेशन में। तो इंटरेस्टिंग फिजिक्स में बेटा आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ फाइनाइट लाइन चार्ज। तो बेटा जी, ये जो टॉपिक है ये ना तो एनसीईआरटी में डायरेक्टली गिवन है और ज्यादातर बुक्स में ये नहीं गिवन है। जहां कहीं पे भी गिवन है वहां इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए डिटर्मिन किया गया। इससे पहले हमने भी किया इनफाइनाइट लाइन चार्ज के केस में ये फील्ड की वैल्यू को डिटरमिन किया था, बट यूजिंग गॉशियस लॉ किया था। आज हम करने जा रहे हैं विदाउट यूजिंग गॉशियस लॉ। वैसे भी फाइनाइट लाइन चार्ज के केस में आप गॉशियस लॉ नहीं अप्लाई कर सकते, आप सिर्फ इनफाइनाइट लाइन चार्ज के केस में कर सकते थे, बिकॉज इनफाइनाइट लाइन चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज ओनली। बट अगर लाइन चार्ज फाइनाइट है, इसकी डायरेक्शन इस कॉर्नर के पास आओगे तो इधर होगी, इस कॉर्नर के पास आओगे इधर होगी, सेंटर के पास वर्टिकली अपवर्ड्स होगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा फाइनाइट लाइन चार्ज के केस में आप ये कैसे करेंगे। और बेटा आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 30 भी यही है, हालांकि वहां पे फाइनाइट तो नहीं मेंशन्ड है, बट उन्होंने ये कहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन चार्ज विदाउट यूजिंग गॉशियस लॉ। तो आज का वीडियो देखने के बाद आप एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन नंबर 30 भी आंसर कर पाएंगे विदाउट यूजिंग गॉशियस लॉ। इनफाइनाइट के केस में कैसे डिटर्मिन करना है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, और अगर लाइन चार्ज फाइनाइट है तो उस केस में फील्ड कैसा होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, राइट? तो चलिए क्विकली बढ़ते हैं आगे। सपोज मेरे पास एक फाइनाइट लाइन चार्ज है जिसकी लेंथ फाइनाइट है, इसके ऊपर कुछ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि चार्ज की जो डेंसिटी है लाइन चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा कूलम पर मीटर। तो कितनी है लाइन चार्ज डेंसिटी? लैम्डा कूलम पर मीटर, राइट? अब इस लाइन चार्ज से मान लीजिए डिस्टेंस r पे, एक फिक्स डिस्टेंस r पे एक पॉइंट है हमारे पास p, इस डिस्टेंस r पे एक पॉइंट है p, इस पॉइंट p पे हमें फील्ड की वैल्यू डिटरमिन करनी है। हो सकता है जैसे मैंने अभी कहा, अगर ये पॉइंट इस कॉर्नर के पास है फील्ड इधर डायरेक्टेड होगा, इस कॉर्नर के पास होगा तो इधर डायरेक्टेड होगा। किसी एक साइड लेके चलते हैं, मान लीजिए यहां पर मैंने ये पॉइंट p इमेजिन किया, तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां एक्ट कर रहा है, ठीक है? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, एनी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो मैंने इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, ई एक्स और ई वाई। तो बेटा अगर आपको ई एक्स और ई वाई की वैल्यूज मिल जाएं, तो क्या नेट फील्ड आप डिटर्मिन कर पाएंगे? चूंकि ई एक्स और ई वाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, तो नेट फील्ड कितना होना चाहिए? रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। ये आप वेक्टर्स में अच्छे से जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं पहले से। हाँ, EX और EY मिलने के बाद आप नेट फील्ड भी बता पाएंगे, और नेट फील्ड की ओरिएंटेशन, इसकी डायरेक्शन क्या है वो भी आप यहां पे बता पाएंगे, ठीक है? जब आपको नेट फील्ड EX और EY मिल गया तो बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो बेटा EX क्या है? पहले X डायरेक्शन को समझिए। इस लाइन चार्ज के पैरेलल वाले डायरेक्शन को मैंने EX कंसीडर किया। कभी कभी हो सकता है लाइन चार्ज इस तरह से वर्टिकल गिवन हो, तो मेरे अकॉर्डिंग जो फॉर्मूले मैं यहां डिराइव कर रहा हूं, फिर आपके लिए वर्टिकल डायरेक्शन EX हो जाएगी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन EY। फिलहाल मेरा लाइन चार्ज हॉरिजॉन्टल है, तो इसी डायरेक्शन को, लाइन चार्ज के पैरेलल जो डायरेक्शन है उसको मैं X डायरेक्शन ले रहा हूं। तो यहां पर जो कंपोनेंट है दैट इज EX। तो X कंपोनेंट बेटा कितना होना चाहिए? दैट शुड बी K लैम्डा अपॉन R इनटू cos बीटा माइनस cos अल्फा। K क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप जानते हैं। लैम्डा क्या है? लाइन चार्ज डेंसिटी। R क्या है? उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन चार्ज। इनटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। अब ये बीटा और अल्फा क्या है? देखिए, अगर पी से मैं यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसके साथ इस एक्सट्रीम, दोनों एक्सट्रीम एंड से इस पॉइंट पी को ज्वाइन कीजिए, तो ये लाइन जो है कितना एंगल सबटेंड कर रही है इस परपेंडिकुलर लाइन के साथ? तो वो दो एंगल्स, इस एंड वाला एंगल सबटेंड कर रहा है अल्फा, इस एंड वाली लाइन एंगल सबटेंड कर रही है बीटा। तो अल्फा और बीटा की टर्म्स में आंसर आपको दे रहा हूं, ठीक है? उसके बाद इनफाइनाइट लाइन चार्ज होगा, फाइनाइट होगा, पॉइंट एक एंड के पास होगा, सभी केसेस में आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, बस अल्फा और बीटा की वैल्यू वेरी करेगी, वो लास्ट में बताऊंगा, राइट? तो EX की वैल्यू बेटा क्या है? दैट इज के लैम्डा अपॉन आर इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। और EY क्या है? इसमें भी के लैम्डा अपॉन आर आ रहा है, बट ब्रैकेट में क्या फैक्टर है? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो बस आपको अल्फा बीटा की वैल्यूज पता होनी चाहिए, लैम्डा की वैल्यू पता होगी, आर की वैल्यू पता होगी, तो आपको EX EY मिल जाएगा। EX EY मिल गया तो आपको नेट फील्ड मिल सकता है, राइट? तो कैसे करेंगे, चलिए क्विकली चलते हैं इस डेरिवेशन की ओर। अब हमने गॉशियस लॉ यूज नहीं करना, और कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने बताया था अगर चार्ज कभी कहीं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं, क्योंकि आपके पास फील्ड का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कौन सा है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसके लिए था? पॉइंट चार्ज के लिए। अब ये पॉइंट चार्ज नहीं है, तो आप इसको छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस में तोड़िए,
क्या मतलब है? इसका मतलब है पूरी लाइन को मैं छोटे 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 लेंथ एलिमेंट्स में स्प्लिट कर रहा हूं। हर एक लेंथ एलिमेंट बहुत छोटा है, तो इस पे चार्ज भी छोटा होगा, तो इस चार्ज को हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो पूरी लाइन को मैंने छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स में स्प्लिट किया, उसमें से एक लेंथ एलिमेंट मैं डायग्राम में शो कर रहा हूं डीएल। इस लेंथ एलिमेंट की अगर लेंथ डीएल है तो इस पे चार्ज कितना होना चाहिए? लैम्डा इनटू डीएल। लैम्डा इज लाइन चार्ज डेंसिटी, लैम्डा कूलम पर मीटर ऑफ लेंथ। तो इसकी लेंथ कितनी है? डीएल मीटर। पर मीटर कितना चार्ज है? लैम्डा। तो डीएल मीटर पे कितना चार्ज होना चाहिए? लैम्डा इनटू डीएल होना चाहिए कि नहीं? ठीक है, तो इसका चार्ज भी हमें पता चल गया। अब सिर्फ इसका फील्ड डिटरमिन करेंगे इस पॉइंट पी पे, फिर उसे रिजोल्व करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, और फिर हम उसे इंटीग्रेट करेंगे। राइट, ये जो डीएल है इसकी लोकेशन, ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मैंने यहां ड्रॉप किया पॉइंट पी से, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को मैंने नाम दिया पॉइंट ओ। पॉइंट ओ से इसका डिस्टेंस है एल, क्योंकि फाइनली जब हमें इंटीग्रेट करना तो लिमिट्स देनी पड़ती है। तो फिलहाल ये जो लेंथ एलिमेंट मैंने डायग्राम में मार्क किया है, इस लेंथ एलिमेंट का डिस्टेंस यहां से पॉइंट ओ से कितना है? एल। इसकी अपनी लेंथ कितनी है? डीएल। पॉइंट पी का डिस्टेंस यहां से कितना है? आर। तो बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा? मान लीजिए इस डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूं एक्स। सो व्हाट शुड एक्स बी इक्वल टू? एक्स शुड बी इक्वल टू रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इजंट इट? यही होना चाहिए एक्स, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं क्विकली बेटा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट या चार्ज ऑन द स्मॉल लेंथ एलिमेंट, जिसे मैं नाम दे रहा हूं डीई। देखिए पॉइंट चार्ज के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर, सो इट शुड बी इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर। आर यहां पे क्या है? एक्स। एक्स का स्क्वायर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखिए जरा। ओके, सो व्हाट इज डी क्यू? डी क्यू इज लैम्डा इनटू डीएल अपॉन, फिलहाल मैं इसे x का स्क्वायर ही लिख रहा हूं, जब हम चाहेंगे हम x की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। लेट इट बी इक्वेशन नंबर वन। तो इस छोटे से चार्ज dq की वजह से पॉइंट p का फील्ड कितना है? dE। वो वैल्यू मैंने यहां लिख दी, डायरेक्शन डायग्राम में इंडिकेटेड है। फाइन, इज इट क्लियर? ओके, अब बेटा नेट फील्ड के लिए वैसे तो हम इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन यहां पर एक चैलेंज है हमारे सामने। यहां पर मल्टीपल वेरिएबल्स आ रहे हैं। मल्टीपल वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? देखिए डीएल तो एक वेरिएबल दिख ही रहा है हमें, क्या एक्स वेरिएबल है कि नहीं? एक्स भी वेरिएबल है। देखिए एक लेंथ एलिमेंट यहां, एक लेंथ एलिमेंट यहां, एक लेंथ एलिमेंट यहां, यहां बहुत सारे लेंथ एलिमेंट है। क्या सबके लिए एक्स की वैल्यू सेम होगी? आंसर इज नो, सबके लिए एक्स की वैल्यू अलग अलग है। जब सबके लिए एक्स की वैल्यू अलग है तो एक दूसरा वेरिएबल भी आ गया एक्स। के और लैम्डा तो कांस्टेंट है, तो चूंकि मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो हम डायरेक्टली इसे इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, हमें इसे रिड्यूस करना पड़ेगा कम से कम वेरिएबल्स में, मतलब सिंगल वेरिएबल में हमें इसे रिड्यूस करना है। वो हम किस तरह से कर सकते हैं? लेट्स सी। सपोज ये जो एंगल है यहां पर, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज लेट अस से थीटा। अब जरा देखते हैं यहां पर इस एंगल थीटा की टर्म्स में हम किस किस को एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर ये एंगल थीटा है और मैं डीई को रिजॉल्व करूं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आने चाहिए। यहां पर भी ये एंगल थीटा ही होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इजंट इट? तो जहां एंगल थीटा वहां डीई का कंपोनेंट, इसे मैं नाम दूंगा डीई अलोंग वाई डायरेक्शन, दैट शुड बी इक्वल टू डीई कॉस थीटा, इजंट इट? और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसे नाम देंगे डीई एक्स, That should be equal to DE sin theta, isn't it? तो जब हम इन्हें इंटीग्रेट करेंगे, थीटा भी एक वेरिएबल आ चुका है, तो अब तीन वेरिएबल हो जाएंगे, थीटा वेरिएबल है, डीएल वेरिएबल और एक्स वेरिएबल है, राइट? अब हम क्या करेंगे, तो चलिए लिख लेते हैं डी ई एक्स, कंपोनेंट ऑफ डी ई अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू डी ई साइन थीटा, लेट इट बी इक्वेशन नंबर टू, एंड कंपोनेंट ऑफ डी ई अलॉन्ग वाई डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू डी ई cos theta, right? That is equation number 3. हमने इसे equation number 3 mark किया, right? अब हमारा target है सारे variables को किसी एक common variable के साथ relate करना। चलिए जरा करने की कोशिश करते हैं। Let's see. देखिए सबसे पहले बेटा ये जो L है, L और R को अगर आप relate करें, तो देखिए L upon R is equal to tan theta, opposite side upon adjacent side, isn't it? If we differentiate both sides, if we differentiate both sides with respect to theta, या पहले आप ऐसा लिख लीजिए L is equal to R tan theta, if we differentiate it with respect to theta, so DL upon D theta किसके equal आना चाहिए? That should be equal to R sec
स्क्वायर थीटा, दैट मींस मैं dl को लिख सकता हूं r sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, इजंट इट? यस आर नो? dl इज इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। तो हमने dl को किस में कन्वर्ट कर दिया? थीटा में। अब आई बारी x की, तो देखिए बेटा यहां पे डायग्राम में r अपॉन x किसके इक्वल है? cos थीटा के इक्वल है कि नहीं? r अपॉन x, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब क्या होगा? x इज इक्वल टू r अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं इसको, या फिर आप लिख सकते हैं r sec थीटा। तो हमने x को भी थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5। तो यहां पर हमने क्या काम किया? dl और x को कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ थीटा। r तो कांस्टेंट है, वेरिएबल एक ही रहेगा थीटा, फाइन। चलिए अब क्विकली डिटरमिन करते हैं नेट EFI along x direction, net EFI along x direction। उसके लिए हमें क्या करना है? EX component of E along x direction, उसके लिए हमें DEX को, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये तो एक लेंथ एलिमेंट के लिए DEX है, ऐसे ऐसे बहुत सारे लेंथ एलिमेंट्स हैं। तो हमें क्या करना है? EX के लिए हमें इंटीग्रेट करना है DEX को, राइट? What is dEx? अगर आप वहां से देखें, that is k lambda dl upon x का square। ये आ गया dE की वैल्यू, और dEx में साथ में क्या लगाया था हमने? sin theta। तो into sin theta, isn't it? फिर हम इसे क्या करेंगे? देखिए k और lambda constants है, आप इन्हें बाहर ले आओ। अब integral किसका है? dl का। तो dl की वैल्यू पुट करते हैं r sec square theta d theta into sin theta upon what is x? देखिए x क्या है? r sec theta। तो x का square क्या हो जाना चाहिए? r square sec square theta, isn't it? So sec square theta और sec square theta cancel out हो गए, r और r का square cancel out हो गया, ठीक है, right? So it should be equal to k lambda upon r, चूंकि r भी constant है, बाहर ले आएंगे हम। अब इंटीग्रल हमें किसका लेना है? हमें इंटीग्रल लेना है साइन थीटा डी थीटा। अब इसे लिमिट्स भी देनी पड़ेंगी बेटा। तो ये जो लेंथ एलिमेंट को ज्वाइन कर रही है लाइन, पॉइंट पी और लेंथ एलिमेंट को, ये इस वर्टिकल लाइन के साथ परपेंडिकुलर लाइन का कितना एंगल बना रही है? थीटा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट जो इस एक्सट्रीम एंड पे रहा होगा, ये वाला एलिमेंट यहां पे सपोज ये जो एंगल बना रहा है, जो मैंने यहां डायग्राम में शो किया, सपोज दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा, मैं इसे ब्लू कलर से शो कर रहा हूं, और ये जो लेंथ एलिमेंट है इसको ज्वाइन करने वाले लाइन, यहां पे एंगल सबटेंड कर रही है बीटा। तो हमारी लिमिट्स क्या हो जानी चाहिए? अल्फा टू बीटा, या अल्फा टू बीटा नहीं बेटा, माइनस अल्फा टू माइनस बीटा, क्योंकि इस लाइन से अगर आप लेफ्टवर्ड आ रहे हैं या क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो एंगल अल्फा मिल रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंगल बीटा। तो जब आप क्लॉकवाइज जाते हैं आप एंगल को नेगेटिव लेते हैं। तो बेटा यहां पर आपकी लिमिट्स क्या हो जानी चाहिए? यहां पर आपकी लिमिट्स हो जाएंगी माइनस अल्फा टू बीटा, माइनस अल्फा टू बीटा, राइट? चलिए तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? इट इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर। अब बेटा साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स माइनस अल्फा टू बीटा। जब आप ये लिमिट्स इसमें पुट करेंगे तो अपने आप देखिए, पहले अपर लिमिट पुट करके फिर माइनस करेंगे लोअर लिमिट को, तो ये यहां पे क्या आ जाना चाहिए? माइनस, सॉरी, माइनस कॉस बीटा माइनस माइनस कॉस, ये वाला माइनस साइन भी है। यहां पे काम कर सकते हैं बेटा सिंप्लीफिकेशन के लिए, मैं आपको कहता हूं आप इसको सिंपल बनाइए, पहले आप इस माइनस साइन को बाहर ले आओ। तो इट इज कॉस बीटा माइनस कॉस ऑफ माइनस अल्फा। आपने पढ़ा होगा कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। सो अल्टीमेटली ex की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, व्हाट इज दैट इक्वल टू? दैट इज k लैम्डा अपॉन r इनटू cos ऑफ बीटा माइनस cos ऑफ अल्फा। यहां पे रीजन आप दे सकते हैं cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, तो उसके बेसिस पे मैंने ex की वैल्यू डिटरमिन की, जो कि मैंने ऑलरेडी यहां पे लिख के रखी है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है बेटा? ये आप इसको देख सकते हैं अच्छे से, क्लियर हो गया ये आपको? चलिए अब हमारा टारगेट है डीई वाई को इंटीग्रेट करना, ताकि हमें क्या मिल जाए? ई वाई, वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करना है, ठीक है? अब वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट्स को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो फिर से हम यहीं पे आते हैं वापस। अब हमें चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन।
तो इसके लिए इंटीग्रेट करना हमें डीई वाई को, लिमिट्स वही रहेंगे जो पहले थी, अब अलोंग वाई डायरेक्शन, सो ई वाई शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डीई वाई. वॉट इज डीई वाई? दैट इज डीई कॉस थीटा. वॉट इज डीई? ये डीई के लैम्डा अपॉन एक्स का स्क्वायर, के लैम्डा अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू डी एल. ये आ गया डीई इंटू, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? कॉस थीटा से, राइट. अच्छा अब बेटा यहां पर फिर से हम मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो यही वैल्यूज जो यहां से हमने उठाई थी पहले अब फिर से उठाएंगे. देखिए के और लैम्डा कांस्टेंट है, मैं इंटीग्रल के साइन के बाहर ले आया. क्या हम डीएल को लिख सकते हैं? आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन एक्स का स्क्वायर आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा बेटा कैंसिल आउट हो गए, आर और आर का स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुका है. ओके, अब वेरिएबल आ गया डी थीटा, तो लिमिट्स आ जाएंगी अगेन माइनस अल्फा टू माइनस बीटा, जैसे मैंने पहले आपको बताया. सो इट इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर, आर भी कांस्टेंट, आप इसे भी बाहर ले आइए. अब इंटीग्रल आपको किसका लेना है? कॉस थीटा डी थीटा, और लिमिट्स हैं माइनस अल्फा से लेकर बीटा. आप जानते हैं कॉस थीटा का इंटीग्रल क्या होता है? साइन थीटा होता है कि नहीं? सो इट शुड बी साइन थीटा विद इन द लिमिट्स माइनस अल्फा टू बीटा. So it is equal to k lambda upon r. पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, साइन बीटा माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा. ठीक है बेटा, इस इक्वेशन के बाद आप रीजन दे सकते हैं, ये वैल्यूज आपने कहां से उठाई? फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5. ठीक है, और इस इक्वेशन में आप लिख सकते हैं यहां पे स्टेप में फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 ये वैल्यूज आपने उठाई है. ठीक है, दीज आर फ्रॉम 1 and 3, तो ये चीज आप खुद मेंशन कर लीजिएगा. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. So it is equal to k lambda upon r times sine beta minus sine alpha. Sine beta minus sine alpha. बेटा यहां minus sine alpha क्यों आया? यहां minus sine alpha इसलिए आया because sine of minus theta is equal to minus sine theta. तो यह value आ गया आपके पास किसकी? ey की. तो इस तरह से आपको ex और ey दोनों मिल चुके हैं. यहां पे ऑलरेडी ये वैल्यू मैंने लिखी है ey की. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. तो यहां पर आपने ये वैल्यूज डिराइव कर ली. अब आपको नेट फील्ड डिटरमिन करना, तो नेट फील्ड क्या होना चाहिए? रूट ऑफ ex का स्क्वायर प्लस ey का स्क्वायर. देखिए देखने में इक्वेशंस कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, अगर आप दोनों को याद रखोगे एक फैक्टर तो सेम है, बस यहां पर चेंजेस है, राइट. और ये न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर आपको गिवन है तो ex और ey की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी. जैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाएंगे आप इसमें पुट कीजिए, इसमें पुट करोगे तो आपको नेट फील्ड मिल जाएगा. फिर रही बात डायरेक्शन की, तो वो भी आप डिटरमिन कर सकते हैं. सपोज ये रिजल्टेंट फील्ड यहां पे एंगल फाई बना रहा है एक्स डायरेक्शन के साथ, मतलब इस लाइन के साथ एंगल फाई बना रहा है, तो आप लिख सकते हैं टेन फाई इज इक्वल टू ई वाई अपॉन ई एक्स. तो यहां से आपको फाई की वैल्यू मिल जाएगी. जैसे ही आपको फाई की वैल्यू मिल गई तो आपको डायरेक्शन भी मिल गई फील्ड की. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. तो बेटा इसको अच्छे से याद रखिएगा किस तरह से हमने किया. मेन टारगेट वही था, मल्टीपल वेरिएबल्स थे, रिड्यूस करना था सिंगल वेरिएबल में, जो कि हमने यहां किया. अब दूसरी चीज आती है बेटा, अगर ये लाइन चार्ज इनफाइनाइट है तो क्या होगा? चलिए मैं यहां पे ये फिर से रब कर रहा हूं, कुछ और चीजें डिस्कस करनी है आपसे. अगर ये लाइन चार्ज इनफाइनाइट है, जैसा गॉशियस लॉ में जो फॉर्मूला आपने प्रूव किया था वो इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए था. जब लाइन चार्ज इनफाइनाइट है एंड पॉइंट लाइज, तो हम स्पेशल केस डिस्कस करने जा रहे हैं. लाइन चार्ज इज इनफाइनाइट, लाइन चार्ज इज इनफाइनाइट. अगर लाइन चार्ज इनफाइनाइट है एंड पॉइंट लाइज समवेयर इन मिडल, समवेयर इन मिडल रीजन, समवेयर इन मिडल रीजन. तो अगर इसके दोनों एंड्स कहां पे? इंफिनिटी पे. जैसे जैसे दोनों एंड्स दूर चलते जाएंगे, एंगल बढ़ते जाएंगे, तो इन दिस सिचुएशन हम क्या एज्यूम करेंगे? हम मानेंगे अल्फा और बीटा ऑलमोस्ट इक्वल, और दोनों किसके इक्वल हैं? 90 डिग्री के इक्वल, राइट. अगर ये दोनों 90 डिग्री हो गए तो देखिए जरा एक्स फील्ड, एक्स कंपोनेंट जीरो हो जाना चाहिए कि नहीं? दैट इज के लैम्डा अपॉन आर इंटू कॉस 90 माइनस कॉस 90 एंड दैट इज इक्वल टू जीरो. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, अगर लाइन चार्ज इनफाइनाइट है तो इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, जो फील्ड होगा इधर को होगा.
और वही हमने गॉसियस लॉ जब हमने अप्लाई करके ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज के केस में हमने फील्ड डिटरमिन किया था, वहां पे भी हमने यही माना था फील्ड इस तरफ डायरेक्टेड है, राइट। चलिए अब बात करते हैं ई वाई की। ई वाई इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर, व्हाट इज दैट? ई वाई साइन अल्फा के लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, सो दैट शुड बी इक्वल टू साइन 90 प्लस साइन 90। What is sine 90? That is 1. So 1 plus 1 is 2. It comes out to be twice k lambda upon r. So EY की value कितनी आ गई? Y direction कौन सी है? Perpendicular to the line charge. ठीक है? So k क्या होता है? 1 upon 4 pi epsilon naught. अगर आप इसको 2 से multiply करेंगे, तो वो बचेगा 1 upon 2 pi epsilon naught. So it again comes out to be lambda upon 2 pi epsilon naught r. ये वही formula बेटा जो Gauss's law को use करके हमने prove किया था, right? So, बहुत सारी बुक्स में ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसको इस तरह से सॉल्व किया गया होगा, वहां पे ये सब नहीं बताया होगा, वहां पे सीधा इस तरह से सॉल्व किया, एक लेंथ एलिमेंट लिया यहां पे, एक लेंथ एलिमेंट लिया इस साइड, दोनों का डीई लिया, इस लेंथ एलिमेंट का डीई इधर एक्ट कर रहा होगा, इसका इधर, दोनों को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे तो ये बोल देंगे डीई एक्स दोनों के कैंसल आउट हो रहे हैं, तो वहां डायरेक्टली इंटीग्रेट किया जाएगा किसको? डीई वाई को, ठीक है। और वो हमने ऑलरेडी करके दिखाया, और वहां पे लिमिट्स क्या होंगी? माइनस 90 से प्लस 90, जो मैंने ऑलरेडी यहां पे फाइनली ये जो वैल्यूज पुट किए हैं, तो वहां से ये फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। लेकिन बेटा अगर लाइन चार्ज फाइनाइट है, अब आप उसके केस में भी, अगर इनफाइनाइट नहीं है, तो ये फॉर्मूला यूज करके आप उसके केस में भी फील्ड की वैल्यू डिटर्मिन कर सकते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, बट जेई एडवांस के लिए, जेई मेंस के लिए इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।